मैं हूँ नैन्सी और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सोनी गर्ल पे। सो गाइस, जो मैंने आप लोगों को एलोवेरा के हेयर मास्क बताए थे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एलोवेरा के फेस मास्क फॉर पर्टिकुलर स्किन टाइप। सेंसिटिव स्किन को कौन सा इम्प्लीमेंट करना है, ड्राई स्किन को कौन सा इम्प्लीमेंट करना है, ऑयली स्किन को कौन सा इम्प्लीमेंट करना है, जिनके पिगमेंटेशन हो गई है, ग्लोइंग स्किन चाहिए है या फिर डार्क स्पॉट हटाने हैं, तो उन सब के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को रेट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सारे कमेंट्स मैं फ्लैश करती अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू द अमेजिंग एलोवेरा फेस मास्क। सो गाइस, फर्स्ट हमारा आता है इसमें ग्लोइंग स्किन के लिए, कि हमें अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए एलोवेरा कैसे यूज होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एलोवेरा की क्वालिटीज बता दूं। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पिगमेंटेशन के लिए अच्छा होता है, डार्क स्पॉट्स के लिए अच्छा होता है और ग्लोइंग स्किन के लिए अच्छा होता है। एलोवेरा सॉफ्ट बनाता है और शाइनी बनाता है। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना है। हम लोग को 1 स्पून एलोवेरा जेल ले लेना है, 1/2 स्पून हनी लेना, 1/2 स्पून कोकोनट ऑयल लेना। तीनों को अच्छे से मिक्स करिए, एज अ फेस मास्क आप अपने फेस पे इंप्लीमेंट करिए, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आता है। ड्राई स्किन वाले इसे ज़रूर करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को डीपली नरिश करता है। हनी की प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी स्किन के पिंपल एक्ने पे वर्क करता है। एलोवेरा जेल मैं आप लोग बता चुकी हूँ, शाइन करता है एंड स्मूथ करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई स्किन के लिए। अब ड्राई स्किन वालों को क्या इंप्लीमेंट करना है, ड्राई स्किन वालों को इंप्लीमेंट करना है उनको एलोवेरा जेल लेना है 1 स्पून, 1/2 टीस्पून उनको ऑलिव ऑयल लेना है एंड 1/2 टीस्पून उन लोगों को हनी लेना है। तीनों को अच्छे मिक्स करके फेस पे इंप्लीमेंट करिए और जितने भी मास्क बता रही हूँ कोशिश करिएगा रात में इंप्लीमेंट करिएगा और इनको 7 डे रेगुलर इंप्लीमेंट करिए। रेगुलर नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डेज में इंप्लीमेंट करिए, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। एंड आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है फिर अच्छे से 1 मिनट के लिए, बस आपको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है उसके, फिर इसे 15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहने दीजिए और फिर देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए क्या, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले कुछ भी अपने फेस पे लगाते हैं रिएक्ट करता है, उनके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ 1 स्पून आपको ऑलिव ऑयल लेना है, 1/2 स्पून आपको हनी लेना है, आपको 1/2 बनाना लेना है। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फेस पे इम्प्लीमेंट करिए, पैक बना लीजिए, काफ़ी ठीक हो जाएगा बनाने की वजह से, इम्प्लीमेंट कर लीजिए। बनाना बहुत चिकना होता है, हमारे फेस को बहुत चिकना करता है और इवन हमारे पोर्स भी क्लीन होते हैं उससे, बहुत इफेक्टिव है। आप लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे तो रात में इम्प्लीमेंट करिए चाहे दिन में करिए, बट इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और अल्टरनेट डेज में इसे इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। गाइस, नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए क्या करना है, आपको 1 स्पून एलोवेरा जेल लेना है, 1/2 स्पून योगर्ट लेना है एंड आपको 1 लेमन लेना है। तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, सेंसिटिव स्किन वाले लेमन का यूज़ ना करें, आपको अच्छे से मिक्स करना है और एज अ फेस पैक लगाना है। 1 मिनट के लिए आपको मसाज करनी है बस, उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आपके फेस पे एक्सेस ऑयल आना कम हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छी रेमेडी है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन वाले यूजुअली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी स्किन की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, वो मेकअप नहीं कर पाते हैं, वो बाहर जाते हैं तो एकदम चिपकू लगने लगते हैं। वैसे मैंने परमानेंटली इसका इलाज बताया है, मैं वो वीडियो ब्यूटी टिप्स के वीडियोस में है, ब्यूटी टिप की प्लेलिस्ट में है, वो मैं लगा दूंगी अपनी आई बटन पे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आपको फेस स्क्रब के लिए क्या करना है। फेस स्क्रब के लिए आपको सिंपली आपको एलोवेरा जेल लेना है 1 स्पून, 1/2 स्पून आपको हनी लेना है एंड 1/2 बनाना लेना है। तीनों को मिक्स करिए, अपने फेस पे लगाइए, रब करिए 1 मिनट के लिए, बहुत अच्छा स्क्रब है, सारे पोर्स हमारे क्लीन करता है फेस के, एक्ने और पिंपल को रिकवरी करता है, पिगमेंटेशन में इम्प्रूव करता है ना, हमारी स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाता है। इसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, 1 मिनट के लिए आप रब करिए एंड देन वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर, 15 से 20 मिनट के लिए लेकिन छोड़ दीजिएगा। अब हमारी बारी आती है, धूप होती है तो सन टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो सन टैनिंग के लिए सिंपली हम लोग जानते हैं क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यूकम्बर लेना है आपको, एलोवेरा जेल लेना है, योगर्ट लेना है एंड हनी लेना है। इसमें 4 इंग्रेडिएंट की नीड है, चारों को अच्छे से मिक्स करिए, अपने फेस पे इंप्लीमेंट करिए। कुकम्बर हमारे फेस में बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है और बहुत अच्छा रहता है हमारे फेस के लिए, तो आप उसे गर्मियों में ज़रूर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सन टैन से हमारी स्किन पिगमेंटेड हो जाती है, एकदम ब्लैकनेस हो जाती है, गंदी सी होने लगती है, पिंपल्स एक्ने होने लगते हैं, सो बहुत गंदी लगती है, तो आप इसे इंप्लीमेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा आता है डार्क स्पॉट। अब
कुछ लोगों के पिंपल होते हैं लेकिन उनके डार्क स्पॉट आ जाता है, जो कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनके पिंपल होते हैं तो उनके डार्क स्पॉट नहीं पड़ते, पिंपल होते चले जाते हैं लेकिन कुछ लोगों के डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को 1 स्पून एलोवेरा जेल, 1/2 स्पून लेमन, 1/2 स्पून योगर्ट एंड चुटकी भर हल्दी लेनी है। चारों को अच्छे से मिक्स करिए, अपने फेस पे इम्प्लीमेंट करिए। रात में सोने से पहले इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, 1 मिनट के लिए मसाज करिए एंड देन 15 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है, आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, सिर्फ 7 डेज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी मैंने आप लोग को एलोवेरा के 7 फेस मास्क बताए हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। आप उन्हें रेगुलर यूज़ कर सकते हो, आप उसे अल्टरनेट यूज में यूज़ कर सकते हो, वीकली यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे होता है फेस के लिए, हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए। सो अगर आपको ट्रस्ट ना हो, आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए। आपको ये अच्छा ना लगे, आप मेरी वीडियो को ज़रूर 1 रेटिंग दे सकते हैं और रेटिंग बिल्कुल देना मत भूलिएगा। आप जो भी रेट करोगे, जो भी कमेंट करोगे, मैं उसको ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्लैश करूँगी। सो गाइस, आप लोग ने अगर ये वीडियो पूरा देखा हो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, इसमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ मैं, टाटा बाय बाय। और आप अपने फेस की केयर भी करिएगा। बाय।